आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी आखिर होती क्या है एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो कहती है बहुत सारे लोगों को कि मैं एक्सपर्ट हूँ स्टॉक में और डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करने का मेरे पास एक्सपर्टीज है आप लोगों के पास नहीं है कोई बात नहीं आप मुझे पैसा दो मैं आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा और जो मेरी फीस है वो मैं आपसे चार्ज करूंगा सो बेसिकली बहुत सारे लोगों का फंड वो पोल इन हो जाता है और वो फिर आगे स्टॉक्स के अंदर और डिफरेंट कंपनीज के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और जो वो रिटर्न आता है उसके बेसिस पे बहुत सारे लोगों के के बीच में वो रिटर्न डिवाइड हो जाता है सो so ये काम है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का और दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक जिसको पूरी दुनिया के जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज उसको फॉलो करती है उसके एक्शंस को देखती है और इम्पोर्टेंट बात मेरे और आपके लिए ये है और इंडस्ट्री के लिए कि ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने दो फंड्स को अलाउ कर दिया है कि वो बिटकॉइन के अंदर इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मैंने ऐसे इनडायरेक्टली तो वो डायरेक्टली बाय नहीं करेंगे वो डेरिवेटिव आ,

है. तो आप अंदाजा लगाओ कि 32 ट्रिलियन जो है वो एसेट अंडर मैनेजमेंट है डिफरेंट कंपनीज के पास उसका अगर एक परसेंट दो परसेंट पांच परसेंट दस परसेंट भी अगर कुछ दिनों में कुछ महीनों में अगर बिटकॉइन के अंदर आता है तो आप इमेजिन करिए कि बिटकॉइन के अंदर क्या होगा और नॉट जस्ट इन इन यूएस बट दुनिया भर की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अगर हम इंडिया की बात करें तो आईसीआईसी प्रोडेंशियल बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो भी इस खबर को जरूर देखेगी और फॉलो करेगी और हो सकता है फ्यूचर में आप देखोगे कि डिफरेंट कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डिफरेंट फंड्स जो है वो बिटकॉइन के अंदर एक्सपोजर ले रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी मैसिव खबर है बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करेगा और रीट्वीट जरूर करेगा थैंक यू वेरी मच